देखिए स्टूडेंट्स, आज आपको बताने जा रहे हैं एक नए फंक्शन के बारे में। नया फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होता है फंक्शन इम्प्लिसिट? ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई दो दो वेरिएबल एक साथ आते हैं कंबाइन होके। वो कोई जरूरी नहीं कि एक्स और वाई आए, हो सकता है जेड और एक्स हो जाए, हो सकता है वेरिएबल में काउंट हो जाए और भी। लेकिन मेन बात यह है कि दो दो वेरिएबल कंबाइन होके अगर एक ही फंक्शन में आ जाते हैं तो वो फंक्शन कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे फंक्शनों का डेरिवेटिव क्या होता है? तो बस मेन तो वही है, डेरिवेटिव करना है। रूल सब वही है, रूल कोई एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है स्टूडेंट्स। जो बताए थे मैंने पहले वही सब रूल है, बस आपने इन्हीं रूल पे डिफाइन करके डेरिवेटिव को सोल्व करना है। बस इस बात ध्यान रखना है कि वाई के टर्म्स का भी डेरिवेटिव होना है। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ऐसे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, और फिर वाई का भी होगा साथ में। जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 2x, फिर एक्स का होगा 1, ऐसे ही पहले वाई स्क्वायर का होगा 2y, फिर वाई का होगा dy बाई dx। इस तरह से आपने पर डेरिवेटिव करना है, जहां एक्स और वाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आ गए तो यू इंटू वी फॉलो हो जाएगा, डिवाइड में आ गए तो उनमें डिवाइड का रूल लग जाएगा। बस अब ये ध्यान रखना है स्टेप सब सेम है, क्वेश्चन सब सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, एक एग्जांपल है यहाँ पे, जिसमें आपको दो दो वेरिएबल दिख रहे हैं एक साथ आते हुए कंबाइन। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स वाई दोनों है, यहाँ वाई स्क्वायर में आ रहा है, यहाँ खाली एक्स, यहाँ वाई, और ये टर्म कॉन्स्टेंट। यहाँ पे ए एच बी जी F और C ये सब कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, फिक्स वैल्यूज हैं, कॉन्स्टेंट है, इनका कोई रोल नहीं है। वैल्यू बच रही है X और Y, ये वेरिएबल में काउंट होती है और इन्हीं का डेरिवेटिव आपने करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव कैसे करना है देख स्टूडेंट्स। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू X, देन सिंबल d ओवर dx। वहां मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन को लिखते हैं लेट y इक्वल्स टू, क्योंकि प्रॉब्लम थी कि वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होता था। देखिए ध्यान से, अगर डेरिवेटिव के अंदर इक्वल टू का साइन नहीं आए तो पहले लेट वाई इक्वल टू करके इक्वल टू का साइन मानते हैं और उसमें सोल्व करते हैं वैल्यूज को। लेकिन जब डेरिवेटिव में इक्वल टू का साइन आता है क्वेश्चन में तो सीधा डेरिवेटिव करके चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है तो इसको गलती से भी ये नहीं कर लेना स्टूडेंट्स की भी लेट वाई इक्वल टू कर लो और फिर इसको सोल्व करो, ऐसा नहीं करना है। जब साइन इक्वल टू का क्वेश्चन में पहले ही गिवन है तो सीधा डेरिवेटिव करना है। सिंबल लगेगा इधर और इधर दोनों तरफ। देखना कैसे करना है, डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स, और यहां पे जीरो, जीरो का भी डेरिवेटिव होना है उधर। तो स्टूडेंट्स कैसे होगा, सबसे पहले यहां हर टर्म का अलग अलग होना है डेरिवेटिव। तो देखो मैं सीधा करता हूं अलग अलग में, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इसका, देन क्या आएगा ए सेम एक्स स्क्वायर का टू एक्स, देन टू ए एक्स, एक्स का वन प्लस यहां पे टू एक्स सेम टू एक्स, क्योंकि टर्म कॉन्स्टेंट है। बचा x और y के अंदर इनका डेरिवेटिव, मैंने एक बार सिंबल लगा दिया फिर कर लेंगे सोल्व, x इंटू वाई प्लस यहाँ पे b सेम फिर y स्क्वायर के साथ सिंबल लगा लो, चलो d ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2g सेम, क्योंकि वैल्यू कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होना है, प्लस में यहाँ पे 2f सेम और y का डेरिवेटिव 1 नहीं dy बाई डी एक्स होना है, प्लस c का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू जीरो का डेरिवेटिव जीरो, इस तरह से है। ठीक है, अब बस आगे सोल्व करना है इसको, देन क्या आएगा फर्स्ट टू ए एक्स प्लस टू एच ब्रैकेट में, यहां आपको एक्स और वाई इंटू में दिख रहे हैं तो यहां पे रूल लगेगा मल्टीप्लाई का। रूल क्या होगा, एक्स सेम वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेम और एक्स का डेरिवेटिव वन, प्लस यहां बी सेम वाई स्क्वेयर, पहले पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा स्क्वेयर का टू वाई, फिर इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में ये टू जी सेम क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो चुका है पहले, प्लस टू एफ सेम इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू जीरो, ये वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है वो इस तरफ एक साथ कंबाइन करें, और जिस टर्म में डीवाई बाई डी एक्स नहीं है वो सारे उठा के जीरो के उस तरफ लेके जाए। देन क्या आएगा यहां से, यहां पे डीवाई बाई डी एक्स है तो मैंने डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया सीधा ही, डीवाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में क्या टर्म बचेगी एक्स, और यहां से टू एच, देन टू एच एक्स, फिर नेक्स्ट डीवाई बाई डी एक्स यहां है, देन प्लस में टू बी वाई और डीवाई बाई डी एक्स यहां पे है, देन प्लस में टू एफ ब्रैकेट इक्वल्स टू, इसके इस तरफ टर्म्स क्या जाएगी सारी, एक तो यहां से माइनस टू ए एक्स
एक ये टर्म जाएगी y वाली टर्म, ये यहाँ पे 2hy होगा, उधर गया तो माइनस में माइनस 2hy, नेक्स्ट टर्म में क्या बच गया यहाँ पे 2g, उधर गया तो माइनस के 2g। नेक्स्ट टर्म से ये पूरा कंप्लीट पार्ट इसके डिवाइड में आ जाएगा, आपने dy by dx निकालना है यहां से, देन dy by dx इक्वल्स टू, मैंने माइनस यहां सब में कॉमन ले लिया और 2 भी कॉमन ले लिया ऊपर, देन क्या बचा ax प्लस के एच वाई प्लस में g डिवाइड में, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया इस टर्म से, देन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, देखो क्वेश्चन सारे सिंपल ही होते हैं, बस करने की ट्रिक पता होनी चाहिए, आप बता दिया मैंने, अब x और y की टर्म्स का दोनों कंबाइन डेरिवेटिव होना होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंबाइन आ रहा है तो फिर क्वेश्चन कैसे करना है, नहीं नहीं u इंटू v लगता है तो u इंटू v फॉलो करेंगे, बस x के साथ साथ y का भी होना है, ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे समझाया है क्वेश्चन आपको बेसिक सा। अच्छा स्टूडेंट्स कुछ इक्वेशन है जिनके फिक्स नाम होते हैं, सिर्फ ये इक्वेशन है, इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं बोल सकता हूँ कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन की ये एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, हम कई बार सोचते हैं कॉनिक सेक्शन क्या होता है, तो इसमें कुछ तरह के फिगर आते हैं, इसमें कुछ पार्ट आता है, जैसे सर्कल आता है इसके अंदर, पैराबोला आता है, इलिप्स आता है, हाइपरबोला आता है, इस तरह के हमारे पास कुछ पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं सारे कॉनिक सेक्शन, और उसकी जनरल इक्वेशन होती है ये वाली। ठीक स्टूडेंट्स, हमें बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए वैल्यू क्या क्या होता है इनमें, वैसे 11th में पढ़ा होगा आपने ये वाला टॉपिक कॉनिक सेक्शन, 11th क्लास में 11th चैप्टर है एलिमेंट की बुक का, उसमें लिख रखा है कॉनिक सेक्शन पार्ट ए और बी, ए और बी, एक में सर्कल और एक में पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को सॉल्व किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन और देखिए इसी के ऊपर अब कैसे करने हैं, ये आपकी 7.5 एक्सरसाइज है एलिमेंट की बुक में, तो इसी में कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं, जो ट्रिक है मैंने बता दिया कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चनों को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, जिनमें एक्स और वाई वेरिएबल कंबाइन होकर मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाते हैं, प्लस माइनस में आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100, देखो ये हमारे पास वैल्यू, डेरिवेटिव करना है अब सीधा वही रूल सीधा लेके चलेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताया मैंने जब इक्वल टू का साइन नहीं हो तो लेट वाई इक्वल टू मान लेते हैं, साइन है इक्वल टू का तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा हमें डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे सिंबल लगाए डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ कितना एक्स स्क्वायर का 2x प्लस में एक्स वाई में x सेम y का डेरिवेटिव प्लस में y सेम x का डेरिवेटिव, ये इस u इंटू v का हुआ है इससे। ठीक है, प्लस में y स्क्वायर का 2y और y का हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू उधर 100 का 0 हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स में से dy वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लें, डिवाइड बाई डीएक्स कॉमन, यहां बचेगा एक्स प्लस में यहां बचेगा टू वाई, वहां जाएगा माइनस, इधर आएगा माइनस, माइनस टू एक्स माइनस के वाई, ये डिवाइड में आएगा इधर, डिवाइड बाई डीएक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस में टू वाई, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही बने, और देख लीजिए रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू 1, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट 4,9 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है 4,9 पे का मतलब हो गया लास्ट में जब आप डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे तो उसमें x की जगह 4 फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की होती है, x की जगह 4 और y की जगह 9 रखोगे, तो क्या है यहाँ पे सीधा इसका डेरिवेटिव करें, तो सिंबल लगा देता हूँ पहले, d ओवर डी एक्स रूट एक्स प्लस में रूट वाई इक्वल्स टू यहाँ पे d ओवर डी एक्स साथ में आगे 1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव
वन बाई टू रूट एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव वन बाई टू रूट वाई इंटू में डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। पहले इसका डेरिवेटिव हुआ, फिर इस रूट का होगा, ये आ गया वन बाई टू रूट वाई, फिर वाई का होगा डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू इधर वन का जीरो। यहां से पहले आप डीवाई बाई डी एक्स डिफाइन कर लें, तो वन बाई टू रूट वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये पार्ट इधर आया तो माइनस में वन बाई टू रूट एक्स, टू से टू कट हो गया, रूट वाई वहां जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस में रूट वाई ओवर रूट एक्स। ये आंसर आ गया डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बस वैल्यू पुट करनी है, सोल्व निकालना है, सोल्व करना है, तो क्या पुट करोगे अब यहाँ पे, पुट एक्स इक्वल टू फोर एंड वाई इक्वल्स टू नाइन, देन डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के रूट नाइन ओवर फोर इक्वल्स टू थ्री बाई टू माइनस में, ये आंसर है। ठीक है, कैसे करना है, देखिए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन और कराते हैं आपको अभी। अब इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन शुरू होते हैं, प्रूव दैट वाले, जिसमें आपको प्रूव करनी होती है वैल्यू, उनमें कुछ ट्रिक लगती है, बिना ट्रिक के हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो अभी वो करवाएंगे, पहले एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर उसके बाद कराते हैं वाला क्वेश्चन भी। तो एक्स वाई इक्वल टू टेंजेंट एक्स वाई, देखिए क्वेश्चन है एक्स वाई इक्वल टू टेन एक्स वाई, अब सोल्व करना है, देन डेरिवेटिव करें, डी ओवर डी एक्स एक्स वाई इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स टेंजेंट एक्स वाई, क्या है यहां पे यू इन टू वी से एक्स सेम वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेम एक्स का डेरिवेटिव वन इक्वल्स टू, यहां पहले टेन का होगा डेरिवेटिव, ठीक है, टेन कितना आएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स वाई, और अब इस पार्ट का डेरिवेटिव होना है, देन ब्रैकेट लगा दे यहां पे और एक्स सेम, अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं एक स्टेप में पूरे पार्ट को खोल रहा हूं, एक्स सेम वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई सेम एक्स का डेरिवेटिव वन, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं, यहां से मैं ये टर्म डी वाई बाई डी एक्स ले आता हूं, यहां पे टर्म है ही पहले ही x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म माइनस में इधर आएगी, तो कैसे आएगी x secant square एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देखो कैसे आ रही वैल्यू, ये इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई होगी फिर पार्ट इधर आएगा, तो वो मल्टीप्लाई में x आगे लिखा, ये बीच में और ये वाला पार्ट लास्ट में, ऐसे हो गया इक्वल टू क्या टर्म बची, तो यहां तो y है साथ में ये मल्टीप्लाई में है, देन y secant square एक्स वाई, ठीक है, और इधर से टर्म जाएगी तो माइनस में वाई, ये टर्म निकालना है डीवाई बाई डी एक्स, तो दोनों में से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, अच्छा मैं सीधा स्टेप करता हूं कॉमन लेके, और ये टर्म बचेगी एक्स माइनस ये वैल्यू उठा के कंप्लीट डिवाइड करो, इधर वाई इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स वाई माइनस वाई डिवाइड में, इधर कंप्लीट डिवाइड में एक्स माइनस एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वेयर एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट्स कैसे करना है, तो नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें, एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कोस ए प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, टू प्रूव, ये प्रूव करना है आपने, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई
साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और डिवाइड में साइन ए। देख फ्रेंड्स किस तरह से करना है, ये वाला क्वेश्चन है और ये प्रूव करना है। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके प्रूव दैट वाले, जिनमें आंसर फिर आपको मैच कराना ही पड़ेगा चाहे कैसे भी करें। फिर आप तो कैसे करना है, पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, डीओ बाय डीएक्स निकालते हैं, लास्ट में देखते हैं कैसे प्रूव होगा। फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा यहां पर डी ओवर डी एक्स, एक्स इंटू में साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू में कोस ए प्लस वाई, और इधर जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही हो रहा है। ठीक है, अब दोनों टर्म्स का अलग अलग, पहले इस टर्म का डी ओवर डी एक्स, एक्स इंटू में साइन ए प्लस वाई प्लस डी ओवर डी एक्स यहां पे साइन ए इंटू में कोस ए प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक स्टूडेंट, यहां यू इंटू वी से होगा, ये वाला पार्ट है एक, एक ये वाला पार्ट है यू इंटू वी से, देन क्या होगा एक्स सेम इसका डेरिवेटिव, सीधा कर देता हूं एक्स सेम इसका डेरिवेटिव साइन क्या आएगा डेरिवेटिव कोस ए प्लस वन, फिर अंदर के पार्ट का ए का जीरो वाई का डीवाई बाई डी एक्स, ये लो इंटू में डीवाई बाई प्लस में। अब ये सेम साइन ए प्लस वाई सेम और इस एक्स का डेरिवेटिव वन, ठीक है प्लस में। अब इसका यू इंटू वी से नहीं करना है क्योंकि यहां साइन ए में कोई एक्स थोड़ी ना है, ना कोई वाई है, ये टर्म तो फालतू के क्वेश्चन टर्म है, सीधी बाहर आएगी यहां से, देन साइन ए सीधा यहां से बाहर। अब आएगा पहले कोस का डेरिवेटिव, क्या होगा कोस डेरिवेटिव माइनस साइन, यही कर दू माइनस माइनस साइन ए प्लस वाई। अब आएगा ए का जीरो और वाई का डीवाई बाई डी एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स और इक्वल टू जीरो, ये टर्म आएगी। तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया मैंने, वन स्टेप में सीधा डेरिवेटिव किया है इनका, बस अब कुछ नहीं डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले और सारे टर्म उस तरफ लेके जाए। ठीक है, एक तो यहां पे डीवाई बाई डी एक्स है, मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां पे टर्म्स क्या बचेगी एक्स कोस ए प्लस वाई और एक डीवाई बाई डी एक्स यहां पे है, यहां से कॉमन लेंगे, देन माइनस में साइन ए इंटू में साइन ए प्लस वाई, टर्म बची माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई, इस तरह टर्म हो जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, और ये पूरा पार्ट कंप्लीट इसके डिवाइड है। माइनस साइन ए प्लस वाई डिवाइड में एक्स इंटू में कोस ए प्लस वाई माइनस साइन ए इंटू में साइन ए प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया, बट हमारा ये आंसर आ रहा है और प्रूफ हमने ये आंसर करना है। तो अब कैसे करना होता है प्रूफ, तो अब जो आपको गिवन पार्ट मिलता है हम वहां से हेल्प लेते हैं कि हमारे पास पार्ट में गिवन क्या है ऊपर, तो आपको पार्ट में देखो ऊपर ये वैल्यू गिवन है, मैं अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लू अभी और ये जो मेरा आंसर आया इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान लूंगी। ठीक है, अगर देखिए ध्यान से मेरे को आंसर में क्या चाहिए, अब आंसर देख के मैच कराएंगे, आंसर में क्या चाहिए, आंसर में साइन आ रहे हैं क्वेश्चन में, मतलब मेरे इस आंसर में और इस आंसर में टर्म हमारे पास फालतू में क्या आ रही है, तो देखो हमारे पास फ्रेंड्स एक्स फालतू में आ रहा है, आप कहोगे फालतू कोस भी आ रहा है, हाँ कोस आ रहा है फालतू में, बट साइन कोस आंसर में आते ही है भाई, साइन आ रहा है मैं इसको वन माइनस कोस कह रहा हूं तो कोस में रहेगा आंसर, ऐसी क्या बात है, साइन कोस तो आ रही है टर्म के अंदर लेकिन एल्जेब्रिक वैल्यू एक्स है जो फालतू में आ रही है, मेरे पास कोई रोल नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो करना क्या, देखो ऐसे आपको ढूंढना पड़ता है कि मेरे पास वेस्ट टर्म क्या है या मैं किसकी वैल्यू निकालू आंसर मैच हो जाए, यहां से आप एक्स की निकाले वैल्यू कहां से फर्स्ट इक्वेशन से, देखिए मैं इसको मान के रोक लिया अभी, फ्रॉम फर्स्ट लिखता हूं और मैं टर्म एक्स के निकालता हूं तो एक्स का आंसर क्या आएगा, देखो एक्स साइन ए प्लस वाई इक्वल्स टू ये कंप्लीट टर्म इधर माइनस में साइन ए इंटू में कोस ए प्लस वाई, ठीक है और ये पूरा पार्ट डिवाइड में, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन ए
कॉस ए प्लस वाई और के डिवाइड में साइन ए प्लस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे क्या है हमने पास, यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपका आंसर मैच होगा। देखो तो क्या लिखे आगे, पुट इन सेकेंड, तो क्या आएगा dy by dx equals to second, ये आंसर है ऊपर, माइनस साइन ए प्लस वाई ओवर डिवाइड में क्या आना है x की जगह ये रखे वैल्यू, तो कितना आएगा माइनस साइन ए कोस ए प्लस वाई, कोस ए प्लस वाई डिवाइड में साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, ये तो एक्स की वैल्यू रखी मैं नीचे यहां पे, अब अच्छा कोस साथ में ये वैल्यू और आएगी मल्टीप्लाई में, तो मैं इसका स्क्वेयर कर दूं यहां पे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर माइनस में साइन ए, ये नेक्स्ट पार्ट, और इनटू में साइन ए प्लस वाई, इस तरह से पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसको सोल्व करेंगे, आंसर मैच कराएंगे, पहले इसको एलसीएम ले और ऊपर लेके जाए, एलसीएम लेके ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइड में क्या आएगा माइनस साइन ए कोस स्क्वेयर ए प्लस वाई, माइनस यहां एलसीएम लिया है साथ में, देन साइन ए और इनटू में साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई, ये टर्म है, दोनों टर्म्स में से माइनस माइनस कॉमन, साइन ए कॉमन नीचे की टर्म्स में से, तो क्या बचेगा ऊपर माइनस साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई, नीचे से माइनस साइन ए कॉमन, देन क्या आएगा यहां पे कोस स्क्वेयर ए प्लस वाई प्लस में साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई, ये टर्म्स बच गया। तो फ्रेंड्स दिख रहा है ये नीचे वाला पार्ट सारा कंप्लीट वन हो गया यहां पे, तो क्या बचा माइनस साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई ओवर माइनस साइन ए, माइनस से माइनस कट हो गया, ये कंप्लीट पार्ट आ गया वन, ये वाला पार्ट। तो फ्रेंड्स जो चाहिए वो आंसर मिला, नहीं मिला, ऊपर साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई ओवर साइन ए प्रूव करना था, वो प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, कैसे करना है तो मैंने डिफाइन कर दिया, इस तरह के हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर, यही लगा लो कि इस एक्सरसाइज से ही शुरू हो जाते हैं आपके मेन मेन क्वेश्चन आने, इन्हीं में पुट भी करना होता है, क्वेश्चनों में सोल्व करने के लिए आंसर मैच कराना पड़ता है किस तरह से है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको अभी इस एक्सरसाइज के अंदर टॉपिक के अंदर हम कराने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, जो मेन एक्सरसाइज आपकी वो यहाँ से शुरू हो चुकी है अभी, तो थोड़ा ध्यान से देखना है इन क्वेश्चनों को, कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर शेयर करेंगे, पूछेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में डिफाइन करेंगे अभी। ठीक है।